भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय सेवा दिवस के मौके पर 15 जनवरी से 3 मार्च तक चलने वाली सैनिक सम्मान समारोह की मुहिम तेज कर दी। इसी क्रम में शहीदों की नगरी शाहजहांपुर के भावलखेड़ा ब्लॉक में शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने व उनका मनोबल बढ़ाने के लिए 16 जनवरी को ब्लॉक परिसर में सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने शिरकत की। सम्मान समारोह में भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के संयोजक पवन सिंह ने बताया, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बने 4.5 साल हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सैनिकों का उत्साह बढ़ाने व सैनिकों के मान सम्मान बढ़ाने के लिए कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 1857 से लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बने 4.5 साल हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सैनिकों का उत्साह बढ़ाने व सैनिकों के मान सम्मान बढ़ाने के लिए कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 1857 से लेकर आज तक जो सैनिक शहीद हुए हैं, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम में हुए हों या उसके बाद शहीद हुए हों, उनके परिजनों को सम्मानित करना व उनको उचित सम्मान देना ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में शामिल है। आज इसी के तहत इस कार्यक्रम में ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद हुए रमेश चंद्र की पत्नी व अमर शहीद ठार रोशन सिंह के परिजनों के साथ साथ कई सैनिकों के परिवारजनों को सम्मानित किया गया। और 23 तारीख से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी पूर्व सैनिकों के घर घर जाकर उनके परिवारजनों को सम्मानित करेंगे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज पूर्व सैनिक और शहीद के परिवारजनों का सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मैंने और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने यहाँ किया है। भारतीय जनता पार्टी